तो कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं बायोलॉजी विषय का पेपर। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि दोस्तों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पूरा बायोलॉजी का पेपर देखेंगे, तो जो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, वैसे आपका फिजिक्स विषय का पेपर तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिजिक्स विषय में भी जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे दोस्तों, वही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में भी देखने को आपको मिले होंगे। और कई बच्चे अधिकतर कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया उसमें से नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो चक्कर ये है दोस्तों, आप क्या करते हो कि मेरे वीडियो को आधा अधूरा देखते हो। मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक विषय के ऊपर 4 वीडियो सीरीज बनाता हूँ, जिसमें मैं दोस्तों आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उसमें से आप क्या करते हो कि किसी भी एक वीडियो को देखकर जाते हो और उस एक वीडियो को भी आप स्किप कर करके देखते हो। अब दोस्तों, आप ये समझिएगा कि अगर मैंने किसी वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए और अगर आपने उस वीडियो को स्किप कर करके देखा, और तो अगर स्किप करोगे आप और मान लिया आपने 5 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन उसमें से देखे, तो आप समझिएगा कि आप फिर पैसे कैसे मतलब उसमें कवर कर पाओगे। और फिर आप कमेंट करते हो कि सर आपने जो बताया था वो नहीं आया है। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि पूरा वीडियो को जरूर देखें, अंतिम समय तक वीडियो अगर देखोगे आप तो ही आपको पूरा पेपर समझ में आएगा, अन्यथा दोस्तों आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसका तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, और देखते हैं समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आपके सही विकल्प। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हो दोस्तों, ये आपके पेपर के सही विकल्प है, पूरे आप इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बच्चों के कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पर कि सर आप जो बताते हो उसमें से कुछ भी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि एक तो या आप मेरे पूरे वीडियो को नहीं देखते हो, और एक रीज़न ये है कि दोस्तों होता क्या है कि मैं प्रत्येक वीडियो के लिए एक वीडियो सीरीज़ बनाता हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट और सिलेबस कितना ज़्यादा बड़ा है, उसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि प्रत्येक विषय का जब पेपर होता है तो उसके लिए मैं दोस्तों 3 वीडियो या 4 वीडियो बनाता हूँ, 1, 2, 3 और 4। आपने देखा होगा दोस्तों कि मैं प्रत्येक वीडियो के लिए, सब्जेक्ट के लिए 4 वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों, उस 4 वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देता हूं। अगर आप उस 4 वीडियो को देख लेते हो तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, 100% सिलेबस उसमें पूरा कवर हो जाता है, और उसी में से दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो ये कारण हो सकता है कि आप मेरे वीडियो पूरे नहीं देखते हो। आप आधा अधूरा अगर वीडियो देखोगे तो आप पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाओगे। आप मान लीजिएगा कि किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने दोस्तों 10 क्वेश्चन बताए और आपने उसमें से 2 ही देखे या 5 ही देखे, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर ऐसे में आप वीडियो पर पर कमेंट करते हो कि सर आपने जो बताया था वो नहीं आया है। तो दोस्तों, इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है कि प्रत्येक वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि कई लोगों के द्वारा मेरे वीडियो की थंबनेल चुराई जा रही है। यानी कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही थंबनेल मैं लगाता हूँ, सेम वैसी की वैसी थंबनेल लगा के वो वीडियो को अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप उसको मेरी थंबनेल समझ के, उसको मेरा समझ के आप उस किसी दूसरे व्यक्ति के वीडियो को देखकर जाते हो, और फिर तुम जब उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दोस्तों, जब भी आप वीडियो को देखें तो खासकर नीचे चैनल के नाम को देख जरूर देख लें, क्योंकि मेरी जो थंबनेल है काफ़ी लोगों के द्वारा कॉपी की जा रही है, जो कि गलत है दोस्तों। अब उसका मैं तो क्या कर सकता हूँ, और जो कॉपी कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम आप लोग कॉपी जरूर ना करें, आपकी खुद की बनाइए, आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने में। हम सभी एक ही समुदाय के हैं, तो इसलिए आपका भी ये फर्ज बनता है। तो चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए दोस्तों। ये आपसे 1×7 नंबर में पूछे जाएंगे, आप इनको देख सकते हो। यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, तो सही विकल्पों में आपको कैसे चुनाव करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला वाला दिया गया दोस्तों, पराग कण की भाई बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? तो इसमें ये 3रे नंबर का सही है, स्पेरो पोलेनिन, ये आपको लिख लेना है। अगला देखते हैं, सहेली है, सहेली क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक गर्भ निरोधक गोली। जी हाँ दोस्तों, सहेली नाम की जो गोली है महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली आती है, तो ये है मौखिक गर्भ निरोधक गोली। अगला देखते हैं, हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप देख सकते हो। क्या दिया गया है यहाँ पर? हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ये 3रा हो जाएगा, आपको ये इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो डी नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों यह आ जाएगा, हेरोइन प्राप्त होती है पेपर सेमनी फोरम से, तो ये आपको लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाने वाले बीटी आविष के रवे स्वयं जीवाणु को नहीं मारते, क्यों? तो दोस्तों ये क्या है, ई वाला, ई का दोस्तों आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये लगा लेना है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, तो एप नंबर का दिया गया है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है, तो एप नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा, आपको ये लगा लेना है। अगला देखते हैं, एलेन के नियम के अनुसार ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारी, तो एलेन के नियम के अनुसार ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारी क्या होते हैं दोस्तों, छोटे कान व छोटे पाद वाले होते हैं, तो ये आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आपको यहाँ पर रिक्तस्थान पूर्ति देखने को मिलेगी, पूरी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्तस्थान पूर्ति दी गई है दोस्तों, रिक्तस्थान पूर्ति आपसे 1×7 अंकों में पूछी जाएगी। तो यहाँ से रिक्तस्थान पूर्ति हम देख लेते हैं, पहला दिया गया है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपरा, इसमें आपको क्या लिख लेना है, अपरा, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, अपरा, ये आपको लिख लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, नारियल में खाद्य भाग होता है, नारियल में खाद्य भाग क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है भ्रूणपोष, क्या होता है, भ्रूणपोष, नारियल में जो खाने वाला भाग होता है ना वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, ये आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अगला देखते हैं, mRNA का संश्लेषित खिलाता है, तो सी नंबर का जो है ना दोस्तों ये वाला, ये आपको इसको क्या लिखना है, इसमें आ जाएगा अनुलेखन, इसमें आपको क्या लिख लेना है, अनुलेखन आपको इसमें लिख लेना है। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और अगले का समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी नंबर का दिया गया है, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों के ग्रहण करने से रोगियों को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, तो डी नंबर वाला जो दिया गया दोस्तों, तो डी नंबर का आपको लिख लेना है इसमें से निष्क्रिय, आपको इसमें क्या लिख लेना है, निष्क्रिय, आपको इसमें लिख लेना है निष्क्रिय। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने लिख लिया होगा। अगला देखते हैं, ई नंबर का हम देख लेते हैं, ई नंबर वाला क्या दिया गया है, एंजाइम का प्रयोग क्लाटर बस्टर के रूप में किया जाता है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या भर देना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसमें क्या भर देना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये इसमें आपको भर देना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं, तो अगला देखते हैं कि अगला क्या है दोस्तों, अगला दिया गया दोस्तों एप नंबर का, एंजाइम की डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं, तो एप नंबर का जो दिया गया दोस्तों इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, तो इसमें दोस्तों आ जाएगा, इसमें आपको लिख लेना है एप नंबर में एक्यू न्यूक्लिएज आपको लिख लेना है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जी नंबर का देखते हैं, मवेशी और बगलों के बीच की पारस्परिक क्रिया कहलाती है, मवेशी और बगलों के बीच में जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सहभोजिता, सहभोजिता ये क्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलान देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी 1×7 नंबर में, तो सही जोड़ी मिलान भी हम कर लेते हैं, सरीसृप पक्षी इसकी जोड़ी मिल जाएगी दोस्तों, अंडप्रजक। अगला देखते हैं, बी नंबर का जो है स्टर्न एवं एक्सॉन, तो बी नंबर का दोस्तों मिल जाएगा 34 से, आपको इसका इससे मिला लेना है। सी नंबर का जो दिया गया दोस्तों इसकी जोड़ी इससे मिला लेनी है। डी नंबर का देखते हैं, तो डी नंबर का दोस्तों दूसरे से मिल जानी है। और दोस्तों ई नंबर का जो दिया गया है, ई नंबर की जोड़ी 5वें से मिला लेनी है, तो ये 7वें से मिल जाएगी इसकी, तो ई नंबर की जो मिलेगी दोस्तों ये आपको 7वें से मिला लेनी है। तो अगला जो दिया गया है एप नंबर का, एप नंबर की आपको दोस्तों इससे मिला लेनी है, और ये जो दिया गया है दोस्तों इसकी जोड़ी आपको इससे मिला लेनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जोड़ी मिलान पूरा कर लेना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप यहाँ पर देख, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको भी पढ़ाई को लेकर डाउट है, तो बिल्कुल मत घबराओ, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप पर। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछ सकते हो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक का हो, या IIT, JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, BR, राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब है डाउटनेट ऐप पर। डाउटनेट पर चल रही है 9वीं से लेकर 12वीं IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ।
तो आगे देखते हैं दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपसे दोस्तों 7 अंकों में पूछे जाने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, पहला वाला दिया गया है किन्हीं दो द्विलिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें आपको एक तो लिख लेना केंचवा और दूसरा लिख लेना टेप वर्म। क्या लिखना है? केंचवा हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा टेप वर्म। टेप वर्म आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, मनुष्यों में 8 से 16 कोरड खंडों वाला ठोस गेंद जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिख लेना तूतक। क्या कहलाता है? तूतक। अगला देखते हैं दोस्तों, ग्रीपित के रूपांतरण प्रयोग हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस जीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिख लेना है न्यूमाई या न्यूमोकोकस। न्यूमाई आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी ऐसे संक्रमणकारी का नाम लिखिए जिसमें ना तो डीएनए पाया जाता है और ना ही आरएनए पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा? इसमें आपको लिख लेना प्रियांश। क्या लिख लेना है? प्रियांश आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखते हैं, मेलिग्नेंट मलेरिया का क्या कारण है? तो 5वें नंबर का जो दिया गया दोस्तों, मेलिग्नेंट मलेरिया का क्या कारण है? तो दोस्तों इसमें आपको लिख लेना है मेलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्पीपेरम के कारण होता है। क्या लिख लेना है? मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, मेलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्पीपेरम के कारण होता है, फाल्सीपेरम के कारण होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, डीएनए को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपको लिख लेना है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज। ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है, रेस्ट्रिक्शन आगे लिखना आपको एंडो न्यूक्लिएज, एंडो न्यूक्लिएज ये आपको इसमें लिख लेना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये हो चुके हैं दोस्तों 7वें नंबर का देखते हैं, पहली ट्रांजनिक गाय रोजी की क्या विशेषता थी? तो जो पहली ट्रांजनिक गाय थी रोजी, इसकी क्या विशेषता थी? तो इसको लिखना है दोस्तों, इसके दूध में मानव की प्रोटीन ए की मात्रा 2.4 ग्राम प्रति लीटर थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी प्रकार के जो आपके 28 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो सारे देख लिए हैं दोस्तों। आप सभी लोग इनकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परापरागण में कोई द्वंद्व लिखना है। एमनियोस्पर्म विधि द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? जिफ्ट का पूरा नाम। उत्परिवर्तक किसे कहते हैं? संलग्नता किसे कहते हैं? कोडान किसे कहते हैं? सिस्टोन किसे कहते हैं? कोई दो प्रतिजीविकों के नाम आपको बताने हैं। इंटरफेरोन की परिभाषित करना। जीन गन क्या है? तो आप लोगों को सभी को दोस्तों इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख लेना है। पूरा आप ये देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों आपकी उत्सुकता को मैं कम करते हुए बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पेपर है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने आप सबको पूरा बताया है। दोस्तों आप अपनी तैयारी को अपने हिसाब से जारी रखें। दोस्तों ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस हिसाब से आप दोस्तों अपना रिवीजन जारी रख सकते हो। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।